चलो बेटा देखते हैं एग्जांपल नंबर 10। हेलो दोस्तों, मैथ मस्ती 4.0 सत्यम सर। बेटा आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एग्जांपल नंबर 10 स्टैंडर्ड 10th एनसीईआरटी कक्षा 10 गणित का, ठीक है। तो बेटा देखो, बेटा सबसे पहले तो ये बता दूं बेटा कि ये जो वीडियो बनाता हूँ मैं बेटा, ये हिंदी, इंग्लिश और गुजराती तीनों लैंग्वेज के लिए ये वीडियो है, ठीक है बेटा। इसे कोई भी देख सकता है बेटा। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट से जिसमें बेटा आपको ये नहीं देखना कि बेटा इंग्लिश में लिखा हुआ है तो मुझे नहीं समझ में आएगा। बेटा जो कॉन्सेप्ट, जो मैथ करने का जो तरीका होता है बेटा, वो तो सेम ही रहने वाला है ना। आप इंग्लिश में करो, गुजराती में करो, कोई भी लैंग्वेज में करो बेटा, मैथ तो मैथ ही होता है बेटा, कुछ तो अंकों में ही लिखना है। तो बड़ा सिंपल सी बात है बेटा, आप क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान मत किया करो, आपको क्या किया करो, साथ में बुक लेके बैठा करो। अगर हिंदी मीडियम के बच्चे हो तो हिंदी मीडियम के बच्चे हिंदी मीडियम का बुक लेके बैठेंगे, लेकिन एग्जांपल नंबर 10वां देखेंगे, ठीक है। अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे तो बुक लेके बैठेंगे और उसमें देखेंगे चैप्टर नंबर 5 के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एग्जाम्पल नंबर 10 देखेंगे। अगर गुजराती मीडियम के बच्चे होंगे तो उनको क्या करना है, वो भी बुक लेके बैठेंगे, एग्जाम्पल नंबर 10 देखेंगे, ठीक है ना। और आपका कॉन्सेप्ट जो होगा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बड़ा, इसमें ये क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है, सबसे पहले अपने क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। वही अब बड़ा एक बात और है कि बड़ा जो भी क्वेश्चन में कराऊं उस क्वेश्चन का बड़ा आपको प्रैक्टिस 2-3 बार कर लिया करो, क्योंकि मैं जितना भी क्वेश्चन कर रहा हूं, जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूं, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन होते हैं, जो बारंबार पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन को मैं बार बार पढ़ाता हूं। इसीलिए बड़ा मैं जितना भी क्वेश्चन चलाऊं बड़ा उसको आप क्या करना है, अच्छे से पढ़ाई करना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। In the flower of bed and there are 23 rows and plant in the row, and मतलब यहाँ पर जो first row है बड़ा, flower जो है बड़ा, वहाँ पर जो flowers की एक कैरी बनी हुई है और वहाँ पर बड़ा first row में 23 flowers है and 21 flowers second row में है and third row में है बड़ा, third row में 90 है, ठीक है। मतलब कि बड़ा यहाँ पर एक एपी तैयार करेंगे, जो एपी होगा बड़ा हमारा first row में कितना दिया बड़ा, देखो फर्स्ट रो में दिया बड़ा 23 दिया है तो 23 लिखेंगे, और सेकंड रो में देखो बड़ा, सेकंड रो में दिया है हमको 21 तो यहाँ लिखेंगे 21, एंड थर्ड रो में बेटा, थर्ड रो में मुझे दिया है 90 तो यहाँ पर मैं लिखूंगा बड़ा 90, तो डेट डेट डेस कहाँ तक जाएंगे बड़ा, देखो लास्ट रो में देखो बड़ा, लास्ट रो में कितने प्लांट है बड़ा, कितने फ्लावर्स है, तो 5 है। अभी मैंने आपको बताया था बड़ा लास्ट पद हो, लास्ट टर्म्स हो, लास्ट रो हो, इसको बोलते हैं एन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। अब इतना समझ में आया बड़ा, बस कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया, अब सिंपल कॉन्सेप्ट मेरा बन गया, अब इसको आसानी से अपने सॉल्व कर सकते हैं। आपको तो मैंने बताया ही था इंट्रोडक्शन पार्ट बड़ा, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो बड़ा देख लो, जिससे बड़ा ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब बड़ा ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्व है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को आपको बारंबार रिपीट करना होगा, खुद से प्रैक्टिस करना होगा, तभी इस क्वेश्चन का आंसर आपको आएगा, ठीक है। चलो बड़ा देखते हैं अब क्या करना बड़ा, अब बताना है। चलो ए कैसे निकालेंगे बड़ा, आपको मैंने ये बताया था ए मतलब होता है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है बड़ा 23 होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 23 लिखेंगे, ठीक है। और डी निकालना हो तो बड़ा कैसे निकालेंगे, ए टू माइनस ए वन, ए टू कितना दिया बड़ा 21 दिया है, ठीक है, और ए वन कितना दिया है 23 दिया है, दो 21 में से क्या करेंगे 23 को माइनस करेंगे, वो तो होगा ही नहीं, तो क्या करेंगे 23 में से क्या करेंगे 21 को माइनस करेंगे, तो यहां पर आएगा बड़ा माइनस का 2 आएगा, ठीक है, ओके। अब देखो बड़ा अब क्या निकालना है, एन, एन की वैल्यू हमको पता है बड़ा कितना दिया है 5 दिया है, तो बता बचा क्या हमारे पास एन, एन क्या निकालना है हमें, एन क्या करना है फाइंड करना है, मतलब देयर आर फ्लावर इज बेड, मतलब हाउ मेनी रोज, मतलब कितने फ्लावर्स बचेंगे, कितने टर्म्स बचेंगे वो बताना है, पद बोला है, ठीक है, मतलब कि एन ज्ञात करना है, ठीक है। बस मुझे सिंपल वाला फॉर्मूला कर देना है एन का, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन अपॉन में डी, ये फॉर्मूला बड़ा आपको करना ही करना लर्न है, ठीक है बड़ा। और फॉर्मूला कभी लर्न करने का नहीं, सिंपल सी बात है बड़ा, फॉर्मूला बनाना सीखो। अगर बड़ा आप इतने, क्योंकि बड़ा फॉर्मूला बहुत सारे फॉर्मूला, इतने सारे फॉर्मूला को आप
याद नहीं कर सकते, तो बड़ा आपको क्या करना होगा, फॉर्मूला बनाना सीखना होगा कि बनाते कैसे। बड़ा अगर आप लोगों को सारे सूत्र बड़ा आसानी से याद करना है, समझना है, तो बताना बड़ा, मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। और बड़ा जिन लोगों को सूत्र के सारे फॉर्मूला लर्न करना है आसानी से ट्रिक वाइज, तो बड़ा मुझे क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और बताना कि हाँ सर मुझे भी ट्रिक सीखना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो बड़ा, ए एन की वैल्यू देखो यहाँ पर कितना दिया बड़ा, ए एन की वैल्यू हमको दिया है 5, तो यहाँ पर 5 लिखूंगा। जो जो बोला है वो पुट कर दो बड़ा। ए ए कितना दिया है, 23 दिया है, तो 23 लिखेंगे। और एन एन तो बड़ा हमका एन तो क्या है पता नहीं, तो एन का ऐसे कैसे लिखेंगे, एन माइनस 1। और डी की वैल्यू देखो यहाँ पर कितना लिखा है, 2, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 2। अब क्या करना है बड़ा, ए 5, अब बड़ा ये प्लस का, ये प्लस है, इसको इस साइड भेज देंगे क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे बड़ा 23 बराबर एन माइनस 1 और माइनस का 2। अब बड़ा इसमें से क्या करेंगे, इसको हमें लेस करूँगा, तो यहाँ पर कितना आएगा बड़ा, 18 आएगा, बट कौन सा आएगा, माइनस का आएगा, तो यहाँ पर आएगा एन माइनस 1 अब माइनस का 2। अब बड़ा देखो ये 2 क्या है, मल्टीप्लाई में, इसको इस साइड भेज देंगे तो क्या होगा बड़ा, प्लस में, मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे बड़ा माइनस का 18 माइनस का 2 बराबर क्या होगा, एन माइनस 1। देखो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, और देखो बड़ा 2 1 2 9 जा क्या होगा, 18 होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, 9 बराबर क्या होगा, एन माइनस 1। अब बड़ा ये देखो माइनस का 9 क्या है, इस साइड माइनस है, इसको इस साइड भेजेंगे क्या होगा, प्लस होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, 9 प्लस 1 बराबर क्या होगा, n, तो यहाँ पर क्या होगा, 10, 10 बराबर क्या होगा, n, मतलब कि n बराबर हमारा कितना आएगा आंसर, 10 आएगा। तो यहाँ पर बड़ा मैं हाउ मेनी देयर आर ये फ्लावर्स ऑफ बेड, कितने होंगे हमारे, 10 होंगे। क्लियर हो गया, तो बड़ा आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बड़ा। और जिन लोगों को बड़ा वीडियो अच्छी लगी और हमारे सारे सवाल आपको समझ में आ गया हो, तो प्लीज़ दोस्तों लाइक किया करो, शेयर किया करो और कमेंट भी किया करो जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट्स हो। थैंक यू सो मच। बाकी का क्वेश्चन अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट समय मिलेंगे। इसके बाद चालू करेंगे बड़ा हम 5.2 के क्वेश्चन चालू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।